एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में अपन यहाँ पर बात करेंगे जो ECS T10 क्रोटिया का आज के दिन का यहाँ पर पहला मैच होगा, जो खेला जाएगा जगरेब असासिन्स वर्सेस सर ओलिवर स्प्लिट के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझाऊंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है। ये जो वीडियो है ना, ये आपको लास्ट तक वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुंचाएगा। और ये जो मुकाबला है ना भाई, टॉस के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करने वाला है। तो आफ्टर टॉस आपका टेलीग्राम चैनल पे होना बहुत ज़रूरी है, तो टेलीग्राम चैनल से आपको ज़रूर से ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये जो मुकाबला है स्टार्ट होगा रात यहाँ पर 12:30 बजे दिन में, और मैच खेला जाएगा मेलडोस्ट क्रिकेट ग्राउंड जगरेब क्रोटिया में। बैलेंस सरफेस रहता है, 70 से 100 के बीच में स्कोर या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा भी यहाँ पर बन सकता है। अब देखो, पहले बात करेंगे जगरेब असासिन्स की टीम की। बहुत सॉलिड इनकी टीम मेरे को लग रही है। इनकी तरफ से ओपन करेंगे क्रिस्टी ओब्राइन और उनके साथ में आएंगे जवार डनिकुला। जवार डनिकुला की जगह हो सकता है योगेश बेलागे ओपन कर ले, कभी कभी ये भी ओपन कर लेता है, लेकिन ज़्यादा चांस इन दोनों के हैं। और ये चीज़ कन्फर्म कहाँ से होगी? ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर से, जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। क्रिस्ट ओब्राइन जो है बहुत अच्छा ओपनर प्लेयर है, 5 T10 खेला है, वो भी ECI वाले, जिसमें 133 रन किए 27 के एवरेज से, बढ़िया रिकॉर्ड है। जवार डनिकुला है, बैटिंग के साथ साथ आपको 2 ओवर की बॉलिंग भी देगा। 12 T10 में 278 रन, 13 विकेट है, 23 ओवर डाल के, बहुत अच्छा इसका रिकॉर्ड है। हरि प्रसाद सती देवी तो भाई बहुत हाई लेवल का प्लेयर है, 19 T10 में 340 रन, 14 विकेट है, 34 ओवर डाल के, और 2023 के अंदर 12 मैच में 140, 12 विकेट है, 20 ओवर डाल के, काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड है। सुशांत राणा ये भी एक और मेन बॉलर है, हालांकि विकेट उतने नहीं है, 12 मैच 10 रन, 6 विकेट है, 22 ओवर डाल के। योगेश बेलागे अगर ओपनिंग करता है तो रख सकते हो, बाकी अगर नीचे खेलता है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। 15 T10 में 160 रन, 1 विकेट है, 4 ओवर डाल के। 2023 में इसके नाम 10 मैच में 114 रन है, 19 का एवरेज है। गुरिंदर सिंह है जिसके नाम डोमेस्टिक T20 जो इसने खेला हुआ है वहाँ पर 6 मैच में 36 रन है और मात्र 6 का एवरेज है। नसीम खान एक और मेन बॉलर जो कि आपको एक ओवर डेथ में दे सकता है, 16 T10 में 14 रन, 13 विकेट है, 20 ओवर डाल के। 2023 में 9 मैच में 5 विकेट है, 7 ओवर डाल के। निगल विंसेंट है इसके नाम, देखो डोमेस्टिक T20 के अंदर 6 मैच में 42 रन, 5 विकेट है, जबकि T10 के अंदर 2 मैच में 1 विकेट है, सिर्फ एक ही ओवर मिला है। वेदरान जेंको ये भी एक मेन बॉलर है, 19 मैच में 71 रन, 20 विकेट, 28 ओवर डाल के। 2023 में 8 मैच में 4 विकेट है, अभी ओवर कटे हैं क्योंकि इंटरनेशनल T10 ज़्यादा खेला है। आएंगे ऐसे विघ्नेश्वरन, अगर ऊपर से जो प्लेयर मैंने बताया उनमें से अगर किसी के भी ओवर कटते हैं तो विघ्नेश्वरन आपको बॉलिंग करता नजर आएगा। डोमेस्टिक T20 में 2 मैच में 2 विकेट है और T10 में 4 मैच में 2 विकेट है, 3 ओवर डाल के। जमशेद हैं, 2 मैच खेला है, डिड नॉट बैट यहाँ पर रहा है। अब यहाँ पर अभी के लिए मैं रखूँगा क्रिश ओब्राइन, जवार डनिकुला, हरि प्रसाद सती देवी, सुशांत राणा और नीचे से नसीम खान और वेदरान जेंको। बेंच पर जो प्लेयर है इनमें से अनिल कुमार है, इसने अभी यहाँ पर ना 2 T10 सीरीज हुई थी इनकी बहुत ही लोकल लेवल पे, वहाँ पर इस बंदे ने 64 रन की बढ़िया पारी खेली थी उस मैच में, और ये बैटिंग अच्छी कर लेता है अनिल कुमार, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है। बाकी के जो प्लेयर हैं इनके रिकॉर्ड आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, मैं कल से ढूंढ रहा हूँ, रिकॉर्ड इनके हैं ही नहीं, तो आप कहाँ से दे दोगे, फेक स्टेट्स देने नहीं है अपन को। सामने जो टीम है सर ओलिवर स्प्लिट की टीम, इनकी जो टीम है मेरे को थोड़ी सी वीक लग रही है। निकोला डेविडोविक और सैम हॉकटन इनके 2 मेन प्लेयर हैं। निकोला डेविडोविक आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी देगा, 11 T10 में 160, 6 विकेट है, 18 ओवर डाल के। 2023 में 4 मैच में 17, 1 विकेट है, 4 ओवर डाल के। सैम हॉकटन है इसके नाम, 38 T10 में 624 रन, 8 विकेट है, 16 ओवर डाल के। 2023 में 6 मैच में 62 रन है, 31 का एवरेज है। ध्यान रखना ये बंदा कभी कभी विकेट कीपिंग करता है, और अगर विकेट कीपिंग नहीं करेगा तो हो सकता है थोड़ी बहुत स्पिन बॉलिंग भी करवा के दे सकता है। नंबर 3 पर यहाँ पर आ सकता है डामिरी स्विलिसिस, जिनके नाम 9 मैच में यहाँ पर 12 रन, 5 विकेट है, 14 ओवर डाल के बॉलिंग करवाना इनका मेन काम है। फिर आएंगे ऐसे फ्रेंच जेंड्रेक जो कि आपको मेरे हिसाब से खेलेंगे तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे। डोमेस्टिक T20 में 6 मैच में 53, 5 विकेट है, 19 ओवर डाल के। जोसेफ जुक्की है 11 T10 में 14 रन, 4 विकेट है, 12 ओवर डाल के। 2023 में 4 मैच में 4 रन, 2 विकेट है, 1 ओवर डाल के बॉलिंग करवा सकते हैं।
इवान है, इनके नाम 8 मैच में 3 रन का एवरेज है। मैट जुक्की है, इसके नाम आप देखो T10 में तो 2 मैच में 0 विकेट 1 ओवर डाल के, लेकिन डोमेस्टिक T20 में 6 मैच में 6 विकेट है। दुलेज है 8 मैच में 15 रन, डेविड जिक्की 3 मैच में 3 रन, रेनाटो के नाम 6 मैच में 18, 0 विकेट है 2 ओवर डाल के, और साजिद खान के नाम 1 मैच में 2 रन है। तो यहाँ से इनके जो मेन प्लेयर है ना वो है निकोला डेविडोविक, सेम हॉकटन, डामिरी सुलिसिस, फ्रेंच जेंड्रिक और जोसेफ जुक्की यहाँ पर मेरे हिसाब से मेन प्लेयर है। बेंच पर जो प्लेयर है इनमें है मरिन जेंड्रिक, जिनके नाम 7 T10 में 5 रन 0 विकेट है 2 ओवर डाल के। यहाँ से एंटेमेटिक और जोसेफ ओरलोविक, इनके स्टैट्स मिले लेकिन इनका आगे का नाम तो सेम मिल रहा था, लेकिन पीछे का जो नाम था वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आ रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये स्टार लगाए हुए हैं कि डाउटफुल थोड़े से इनके ये स्टैट्स हैं। इनके नाम 6 मैच में 138, 4 विकेट 18 ओवर डाल के, और इनके नाम 6 मैच में 48 रन 9 विकेट है 21 ओवर डाल के। बाकी के जो प्लेयर हैं उनके रिकॉर्ड कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। एनालिसिस वाला जो पार्ट इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि देखो बेटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं डेमो टीम की तरफ। अब भाइयों नेक्स्ट स्लाइड में आपको डेमो टीम दिख जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस मैच में टेलीग्राम चैनल से जुड़ना। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हो, वीडियो के टाइटल में जाओ, मोर पर क्लिक करो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अभी देख लेते हैं डेमो टीम। डेमो टीम में मैंने यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है सेम हॉकटन, बैटिंग सेक्शन से रखा है सी ओब्राइन, ऑलराउंडर सेक्शन से निकोला डेविडोविक, ए सती देवी, जे जुक्की, जे डनिकुला, एफ जेंड्रिक, और यहाँ से वी जेंको, डी स्विलिसिस, सुशांत राणा, नसीम खान। कैप्टन मेरे यहाँ पर डेविडोविक, वाइस कैप्टन मेरे यहाँ पर सती देवी है, डनिकुला एक अदर CVC के ऑप्शन है, लेकिन हाल फिलहाल में इन दोनों प्लेयर ने अच्छा किया है इसलिए मैं इनके साथ ही गया हूँ। फाइनल टीम और फाइनल अपडेट देखो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, 3 बार बोल चुका हूँ, तो वहाँ पर आपको ज़रूर ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।